अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, थायराइड पैथोलॉजी में से अब जो अगला टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है आपका थायराइड न्योप्लाजम्स और थायराइड ग्लैंड में। सबसे आखिरी टॉपिक है ये न्योप्लाजम्स का, तो इसमें जाहिर है बिनाइन एंड मलिग्नेंट न्योप्लाजम्स को हम पढ़ेंगे और इनशाला फिर हमारा थायराइड ग्लैंड खत्म हो जाएगा। उसके बाद में पहले आपको एंडोक्राइन पैन जो सॉरी आपका एंडोक्राइन पैनक्रियाज है, लाइक आपका जो डायबिटीज का टॉपिक है वो कराऊंगी, क्योंकि वो जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें पहले कवर हो जाए, फिर पैराथायराइड ग्लैंड वगैरह नॉट दैट इंपॉर्टेंट वो एंड में करा देंगे। अच्छा, तो थायराइड न्योप्लाज्म आपको पता है कि जाहिर सी बात है न्योप्लाज्म में हमेशा आपका या तो बिनाइन न्योप्लाज्म होते हैं, बिनाइन न्योप्लाज्म ऑफ थायराइड ग्लैंड को हम एडिनोमा कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ग्लैंड है तो उसके लिए एडिनोमा का वर्ड इस्तेमाल होता है, और मलिग्नेंट होंगे तो वो कार्सिनोमास होंगे। अब कार्सिनोमास बहुत रेयर है, लेस देन 1% चांसेस होते हैं कि थायराइड ग्लैंड में कार्सिनोमा हो, लेकिन एडिनोमास बन सकते हैं, और एडिनोमा को हम नॉर्मली थायराइड नोड्यूल कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि आपने सुना होगा किसी को हॉट नोड्यूल हुआ, किसी को कोल्ड नोड्यूल हुआ थायराइड का, तो वो बेसिकली आपके बिनाइन नियोप्लाज्म ऑफ थायराइड ग्लैंड होते हैं जिनको हम नोड्यूल्स कहते हैं। अच्छा, अब अगर हम नोड्यूल को जनरली देखें, मतलब कुछ उसके जनरल फीचर्स होते हैं जिससे हम अंदाजा लगाते हैं कि यार कितना, मतलब आप समझ लें कि जनरल स्टडीज से जो हमने अंदाजा लगाया कि कितना रिस्क होता है किसी नोड्यूल का कार्सिनोमा या एडिनोमा होने का, क्योंकि हम ऐसे उसे देख के तो नहीं बता सकते बाहर से कि वो कार्सिनोमा या एडिनोमा है, वो तो जाहिर है उसके उसकी हम FNAC करेंगे, मतलब फाइनल एस्पिरेशन साइटोलॉजी में हम उसको माइक्रोस्कोपिकली उसके सेल्स को देख लेंगे, उसके बाद सर्जिकली उसको निकाल के फिर उसकी माइक्रोस्कोपी की जाएगी और उसको बायोप्सी की जाएगी, तो हमें समझ आएगा कि आइदर इट इज अ कार्सिनोमा और अ बेनाइन ट्यूमर या एडिनोमा है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, लाइक अगर आपके पास नोड्यूल अकेला सॉलिटरी नोड्यूल है ना, तो वो ज्यादातर उसका चांस, अगर आप, मैं आपको बता दी कि अगर आपका नोड्यूल जो सॉलिटरी होता है ना, वो उसका चांस ज्यादा होता है कि वो कोई नियोप्लास्टिक किस्म का नोड्यूल होगा, लाइक मैंने अभी जिस तरह आपको पिछली वीडियो में बताया मल्टी नोड्यूलर गोइटर, तो मल्टी नोड्यूलर गोइटर मैंने आपको तब भी बताया था कि अगर सॉलिटरी नोड्यूल होता है यानी एक अकेला होता है, तो उसका नियोप्लास्टिक होने का यानी कोई भी बिनाइन या मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म होने का चांस ज्यादा होता है। मल्टीपल जो नोड्यूलर गोइटर होता है उसका ज्यादा चांस ये होता है कि वो सिंपल गोइटर है, उसमें कोई नियोप्लास्टिक एलिमेंट नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर एक्सट्रीम ऑफ एज है, लाइक छोटा 20 से कम एंड 70 से ज्यादा उम्र है, तो उसमें ज्यादातर नियोप्लाज्म डेवलप हो सकता है। मेल्स में ज्यादातर नियोप्लाज्म होता है, मतलब ये कुछ जनरल से फीचर्स है, ठीक हो गया। इसी तरह अगर किसी की रेडिएशन एक्सपोजर की हिस्ट्री है, कोई किसी भी वजह से किसी और मलिग्नेंसी की वजह से किसी ने रेडिएशन ली है, तो वो ज्यादा चांस होता है उसका। इसी तरह हम अभी जब टेस्ट करते हैं ना, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक का टेस्ट, मैंने आपको बताया था कि ग्लैंड कितनी आयोडीन अपटेक करता है, रेडियो एक्टिव आयोडीन देखे हम वो चेक करते हैं, तो वो वाले नोड्यूल जो सॉलिटरी हो और आयोडीन भी कम ले, उसको हम कहते हैं कोल्ड नोड्यूल, ठीक है। जो कम आयोडीन इस्तेमाल करते हैं उसे कोल्ड कहते हैं, और जो ज्यादा सारी आयोडीन ले लेते हैं उसको हॉट नोड्यूल कहते हैं। तो जो कोल्ड नोड्यूल्स है ना, वो ज्यादा मलिग्नेंट होते हैं, मतलब उन्हें मलिग्नेंसी का चांस ज्यादा होता है। हॉट नोड्यूल जो ज्यादा आयोडीन लेते हैं वो लेस मलिग्नेंट होते हैं। अब ये बात हम आगे भी डिस्कस करेंगे, वैसे जनरल से फीचर्स हैं, लेकिन इन जनरल मतलब अगर सही सही बात की जाए, तो जब तक आप उसको माइक्रोस्कोपिकली ग्लैंड को रिजेक्ट करके उसे सर्जिकली रिमूव करके देख नहीं लेते, तब तक कन्फर्म नहीं कहा जा सकता कि आइदर इट इज बिनाइन और मलिग्नेंट या फिर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से बात होती है स्टार्ट एडिनोमास के बारे में। एडिनोमास ज्यादा बिनाइन जो आपके ग्लैंड होते हैं, सॉरी बिनाइन आपके जो ट्यूमर होंगे जितने भी आपके थायराइड ग्लैंड के, उसको एडिनोमा कहते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये आपके सारे के सारे जो आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर फॉलिकल्स हैं, उनके एपिथीलियम से जो है वो अराइज करते हैं, मतलब उनका एपिथीलियम जो है वो बेसिकली प्रोलिफरेट करता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता नए फॉलिकल्स बनते जाते हैं। एपिथीलियम ही प्रोलिफरेट करेगा तो नए फॉलिकल्स बनेंगे, उनके अंदर कोलॉइड होगा, तो इस तरह एक एडिनोमा डेवलप हो जाएगा जी। तो इसके पैथोजेनेसिस में ना, हमारे पास इस तरह से होता है कि मैंने जिस तरह आपको पहले हमने बात की थी ये वाली म्यूटेशंस की बात, आपको शुरू में मैंने बताई थी कि किस तरह से आपका मैकेनिज्म होता है TSH रिसेप्टर का सिग्नलिंग का, मतलब मैंने आपको बताया था, मैं ज़रा सा रिवाइज करती हूँ कि अगर थायराइड का एक फॉलिकल है ना और इसके ये एपिथीलियम है कि बर्डल एपिथीलियम, तो होता कुछ ऐसे है कि हमारे पास इसकी सरफेस पे TSH रिसेप्टर्स होते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर। जब TSH हार्मोन इन रिसेप्टर पे आके लगता है, तो अंदर एक जी प्रोटीन कपल्ड मैकेनिज्म पूरा एक्टिवेट होता है, जो जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन का मैकेनिज्म था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अल्फा बीटा गैमा सब यूनिट से अलग होकर फिर अल्फा सब यूनिट जो है बाकियों को एक्टिवेट कराता है। फिर मैंने आपसे कहा था कि अल्फा सब यूनिट खुद ब खुद इनएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर अपने अंदर ही जी एक आप कहने की एक्टिविटी होती है जो उसको वापस खुद ब खुद ही इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करा देती है, क्योंकि अगर वो मुसलसल अल्फा सब यूनिट एक्टिव रहेगा तो जाहिर सी बात है कि फिर तो हमारे पास T3 T4 हॉर्मोन्स का बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रोड्यूस होता रहेगा। तो हमने बात की थी कि जो अल्फा सब यूनिट है उसको इनकोड करने वाले जीन को हमने कहा था GNAS जीन, GNAS जीन, और हमने कहा था कि GNAS जीन की जो म्यूटेशन है वो आपके अल्फा सब यूनिट को
एबनॉर्मल बनाती है, और अल्फा सब यूनिट एबनॉर्मल बनते हैं तो एबनॉर्मली एक्टिव रहते हैं, फिर वो इनएक्टिव नहीं होता, और मुसलसल एक्टिव रहने की वजह से वो मुसलसल TCT4 हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन करने लग जाते हैं, और मजीद फॉलिकल्स भी बना सकता है ताकि मजीद ग्लैंड बड़ा होता रहे, एंड इट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ दिस एडिनोमा। ठीक है, बताने का मकसद ये था कि एडिनोमा के डेवलपमेंट का एक मकसद जो है वो TSH, बेसिकली इसमें जहां भी होगा ना TSH रिसेप्टर सिग्नलिंग पाथवे, रिसेप्टर सिग्नलिंग पाथवे का मतलब है कि TSH का ये रिसेप्टर है और इससे आगे मैसेज जाना है हॉर्मोन्स की सिंथेसिस का, इस सिग्नलिंग के पाथवे में कहना कि प्रॉब्लम आने पर ही हमारे पास हमेशा एडिनोमा होता है। वो एक म्यूटेशन ये वाली हो सकती है जो GNAS जीन की म्यूटेशन है, वो कोई ऐसी म्यूटेशन होगी जो एडिनोमा बना देगी। ठीक है, और दूसरी जो म्यूटेशन इसमें आ सकती है इट इज इन जो अपने TSH रिसेप्टर की म्यूटेशन है। ठीक है, कि ये जो रिसेप्टर है यही सही इनकोड नहीं हुआ था और इस तरह का रिसेप्टर बना है कि TSH की मौजूदगी के बगैर भी वो हार्मोन की सिंथेसिस स्टार्ट कर सकता है और वो मजीद हार्मोन पे हार्मोन बनाया जाएगा, जितना एक्सेस हार्मोन बनेगा उतना ही मजीद फॉलिकल्स बनते जाएंगे एंड एडिनोमा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो ये दो मेजर चीजें हैं जो आपके, जाहिर सी बात है अब आप देखें इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि TCT4 हॉर्मोन्स भी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, जब TCT4 हॉर्मोन्स बन ज्यादा रहे हैं तो ग्लैंड को आयोडीन भी ज्यादा चाहिए, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जब हम रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक चेक करेंगे, यानी कि हमारा जो टेस्ट हम लैब में करते हैं, तो वो ग्लैंड जो हमारा एबनॉर्मल ग्लैंड होगा वो आयोडीन को ज्यादा लेगा एज कम्पेयर टू अनॉर्मल ग्लैंड। तो वो ग्लैंड, या मैंने भी आपको बताया था कि वो नोड्यूल्स जो ज्यादा आयोडीन को लेते हैं उनको हम हॉट नोड्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो हॉट नोड्यूल्स वो है जो आयोडीन ज्यादा ले रहे हैं, जो TCT4 बना रहे हैं, और जो आपके पास फंक्शनल नोड्यूल्स हैं इनको फंक्शनल भी कहते हैं, इनमें मलिग्नेंसी का चांस कम होता है। इसके ऑपोजिट हमारे पास एक और म्यूटेशन होती है रास जीन की म्यूटेशन, रास इज ऑल्सो वन ऑफ द फैमिली जो आपका एक तरह से ट्यूमर सप्रेसर होता है, इसकी म्यूटेशन में आपके ट्यूमर बन सकता है। इसकी जो म्यूटेशन होती हैं अगर ये आ जाती है तो ये ज्यादातर करती हैं आपके नॉन फंक्शनल एडिनोमास की प्रोडक्शन। नॉन फंक्शनल एडिनोमास का मतलब ये है कि इसमें, क्योंकि रास जीन इज बेसिकली ट्यूमर सप्रेसर टाइप ऑफ जीन, तो ये आपका अगर नहीं सही होगा तो ट्यूमर का यानी कि सेल्स की जो डिवीजन है उनका चेक एंड बैलेंस करना खराब हो जाता है, तो सेल्स अनकॉमनली डिवाइड करने लग जाते हैं, बहुत डिवाइड करते हैं, उसकी वजह से जो ट्यूमर बनता है वो TCT4 नहीं बना रहा होता, वो एक्सेस ऑफ TCT4 नहीं बना रहा, सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो बहुत सारे फॉलिकल्स बन रहे होते हैं, उनमें TCT4 बहुत सारा नहीं बन रहा था, इसीलिए उसको नॉन फंक्शनल या साइलेंट एडिनोमा कहते हैं। और जब हम उसको रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक चेक करेंगे तो वो आयोडीन कम लेता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ग्लैंड, इसीलिए उसको कोल्ड नोड्यूल कहते हैं, लेकिन कोल्ड नोड्यूल्स में मलिग्नेंसी का चांस ज्यादा होता है क्योंकि मलिग्नेंसी आपकी जेनेटिक म्यूटेशन से रिलेटेड है, ये जेनेटिक म्यूटेशन ज्यादा सिवियर है, ये आपकी मलिग्नेंसी बन सकती है क्योंकि इसमें सेल्स की टर्नओवर बहुत तेजी से हो रही है। ये जो जेनेटिक म्यूटेशन है ये GNAS जीन की म्यूटेशन या फिर TSH रिसेप्टर की म्यूटेशन, ये उतनी सवेयर नहीं है, सुजा से ये हॉट नोड्यूल्स बनाती है और इनसे आपकी मलिग्नेंसी कम होती है। ठीक है, तो ये आपने बातें याद रखनी है क्या क्या है। अब मैंने आपको पहले से बताया था, अभी थोड़ी देर पहले से मैं आपको पढ़ा रही थी अबाउट द नोडुलर गोइटर, जो मैंने आपको बताया था गोइटर, उसमें मैंने एंड में आपसे कहा था कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो नॉर्मल मल्टी नोडुलर गोइटर है वो अचानक से TSH इंडिपेंडेंट हो जाता है, खुद से ही हॉर्मोन्स बनाने लग जाता है। ठीक है, ये मैंने उस वक्त आपसे कहा था कि TSH पे वो डिपेंड करना छोड़ देता है, नॉर्मल मल्टी नोड्यूलर गोइटर होगा वो TSH डिपेंडेंस छोड़ के खुद से हॉर्मोन बनाने लग जाते हैं, उसको मैंने कहा था कि टॉक्सिक गोइटर कहते हैं, टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गोइटर। तो बेसिकली वो तब बनता है जब उसमें भी ये म्यूटेशन आ जाए, या TSH की या GNAS जीन की। तो TSH GNAS जीन की म्यूटेशन सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गोइटर भी बना सकती है जिसमें कोई एडिनोमा का एलिमेंट नहीं होगा, और वो एडिनोमा भी बना सकती है जिसमें आपके सेल्स में एडिनोमा की क्या करेक्टरिस्टिक फीचर होती है, मतलब जो उसको एक नॉर्मल गोइटर से डिफरेंशिएट करती है, वो यही होता है कि उसमें सेल्स में थोड़ा बहुत प्लियोमॉर्फिज्म होता है। आपको पता है हर हर ट्यूमर में प्लियोमॉर्फिज्म होता है, प्लियोमॉर्फिज्म होता है कि साइज और शेप में थोड़ा बहुत डिफरेंस होना नॉर्मल चीज से, तो ये चीज जब होगी तो उसका मतलब है कि वो एडिनोमा होगा। ठीक है, और जो रास जीन की म्यूटेशन है ये हमेशा आपके कोल्ड नोड्यूल्स बनाती है और इनसे ज्यादा मैलिग्नेंसी का चांस होता है। ठीक हो गया, होगी सारी पैथोजेनेसिस। अब मॉर्फोलॉजीज की अगर हम देखें तो ग्रॉसली ये आपने बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि सॉलिटरी होते हैं ज्यादातर, मैंने भी आपको बताया था कि जो मल्टी नोड्यूलर होते हैं वो ज्यादातर आपके नियोप्लाज्म नहीं होते, वो सिंपल गोइटर्स होते हैं ज्यादातर। जो सॉलिटरी आपका नोड्यूल होगा ना, मतलब एक अकेला कहीं पर होगा, पूरा ग्लैंड है मेरे पास ये, सपोज इस जगह पर नोड्यूल बना होगा तो वो सॉलिटरी होगा, तो सॉलिटरी नोड्यूल हो और वेल डिफाइंड कैप्सूल के अंदर होगा, दिस इज द ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ऑफ योर एडिनोमा। क्योंकि सॉलिटरी नोड्यूल और कैप्सूल के अंदर नहीं है तो वो कार्सिनोमा होता है। ठीक है, तो इस वजह से आपने ये पक्का अपने जहन में रखना है कि एडिनोमा भी वेल डिफाइंड कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट है,
माइक्रोस्कोप की अगर इसको हम देखते हैं ना, तो अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमारे पास इसमें हमें नजर आते हैं ये वेल डिफाइंड कैप्सूल के अंदर डिफरेंट फॉलिकल्स हैं, और फॉलिकल्स सारे एक ही जैसे यूनिफॉर्म सेल से लाइन किया हुआ है, और वो यूनिफॉर्म सेल जो है वो नॉर्मल क्यूबॉइडल एपिथीलियम जैसे ही होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि वो जैसे हमने हर्थल सेल्स पढ़े थे, यानी कि वो सेल्स जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा था और ग्रेनुलर थे और इओसिनोफिलिक यानी पिंक कलर का साइटोप्लाज्म था, उस तरह के सेल्स जो हमने पहले पढ़े थे हशिमोटोज में, उस तरह के सेल्स हो सकते हैं लेकिन इतने कॉमन नहीं होते। ज्यादातर यही होता है कि जो आपका एडिनोमा होता है उसमें सेल्स आपके नॉर्मल एपिथीलियम से रिजेंबल कर रहे होते हैं। थोड़ा बहुत जाहिर है एटिपिया तो होगा ही होगा, मैंने भी आपको बताया था कि प्लियोमॉर्फिज्म यानी साइज और शेप का चेंज होना और न्यूक्लियोलाई का ज्यादा होना, एबंडेंट या प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस होना, बल्कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस और साइज और शेप की वेरिएशन, ये तो आपकी करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं किसी भी न्यूप्लाज्म के, इसलिए थोड़ा बहुत एटिपिया लाजमी होता है। और उसको हम इस बात को ना कि थोड़ा बहुत प्लियोमॉर्फिज्म और थोड़ा बहुत न्यूक्लियोलाई का प्रोमिनेंट होना, इसको हम एंडोक्राइन एटिपिया कहते हैं। तो ये जो आपका एटिपिया है या एटिपिकल सेल्स हैं, ये आपकी इसमें प्रेजेंट होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ज्यादा अगर हम इसको एकदम से एक नज़र में देखेंगे तो कोई खास नॉर्मल चीज़ से इसमें फर्क नज़र नहीं आता। जो चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने बिल्कुल नहीं भूली, और आपसे पूछते होते हैं अलग से SEQ क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर विच डिफरेंशिएट्स अ फॉलिकुलर एडिनोमा फ्रॉम कार्सिनोमा। तो फॉलिकुलर एडिनोमा, ये जो आपका सिंपल एडिनोमा है ना, इसको फॉलिकुलर एडिनोमा भी कहते होते हैं क्योंकि ये आपके फॉलिकल से अराइज कर रहा है। तो फॉलिकुलर एडिनोमा को जो फॉलिकुलर कार्सिनोमा से डिफरेंशिएट करती है चीज़, वो कैप्सूल की इंटेग्रिटी है, जिसमें कैप्सूल इंटैक्ट है, जिस ग्लैंड के एक जो नोड्यूल है उसके इर्द-गिर्द कैप्सूल इंटैक्ट है, बिल्कुल ठीक कैप्सूल बना हुआ है और वो वेल सर्कमस्क्राइब्ड है, वो आपका एडिनोमा होता है। जिसका कैप्सूल इंटैक्ट नहीं होता वो कार्सिनोमा होता है। दिस इज योर दो नंबर के सवाल का जवाब, ठीक हो गया। क्लिनिकल फीचर्स, पेशेंट्स ज्यादातर पेनलेस नोड्यूल्स होते हैं, बहुत छोटे साइज के होते हैं। गोइटर तो बहुत बड़ा होता है, जो आपके गिलहड़ है ना वो, उसमें तो गला अच्छा खासा बड़ा हो चुका होता है आपका, लेकिन ये वाले जो नोड्यूल्स है ये ज्यादातर छोटे होते हैं, पेनलेस होते हैं, क्योंकि ये अंदर की तरफ ग्रो ज्यादा करते हैं, बाहर की तरफ कम करते हैं और पेन भी कोई खास नहीं देते। अगर आपके पास ये बड़े हो जाएंगे तो फिर ये फीचर्स प्रोड्यूस करेंगे, डिस्फेजिया हो सकता है, स्वेलोइंग में मसला हो सकता है, सांस लेने में मसला हो सकता है, वेन्स कंप्रेस हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं किस चीज़ को कंप्रेस कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिंदगी में 20-20 साल गुजार देते हैं और छोटे से उनका नोड्यूल रहता है और वो कोई भी उसमें फर्क नहीं पड़ता, कि एडिनोमा ज्यादातर साइलेंट रह जाते हैं, मतलब ना वो आपके हॉर्मोन्स में कोई मसला करते हैं, T3 T4 में भी कोई मसला नहीं करते, और वो क्योंकि जो साइलेंट होते हैं ना खासतौर पर वो वाले, और ना वो मैलिग्नेंट होते हैं। लेकिन फिर अगर किसी को नोड्यूल है और उसने उसको सर्जरी नहीं कराई हुई, तो फिर ये बहुत जरूरी है कि वो अपने नोड्यूल को के साथ साथ बार बार या तो उसकी FNAC कराता रहे, मतलब कम से कम 6 महीने में एक दफा, और साथ अपनी TSH और सॉरी जो आपकी सारी की सारी प्रोफाइल है T3 T4 TSH वो करा के चेक करता रहे, क्योंकि कभी भी अगर उस नोड्यूल के अंदर मेलिग्नेंसी डेवलप होगी तो फिर ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो फिर उसको फौरी तौर पर सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि सर्जिकली रिमूव करके चेक कर लिया जाए उसको, क्योंकि जो हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन का हम करते हैं ना, मतलब जो आपका एक सर्जरी के बाद जो आपका स्पेसिमेन निकलता है उसकी जो हिस्टोलॉजी चेक की जाती है, उसमें कंफर्म किया जाता है कि आइदर ये मेलिग्नेंट था या नहीं था। FNAC में भी एक आइडिया हो जाता है आपको कि कोल्ड नोड्यूल है या हॉट नोड्यूल है और बाकी सारी क्या बातें हैं, लेकिन स्टिल जो एक्चुअली हिस्टोलॉजी होती है स्पेसिमेन की, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए उसकी सर्जिकल रिजेक्शन सबसे बेहतर चीज़ होती है। बहुत कम ऐसे होते हैं, मैंने आपको बताया, जो फंक्शनल नोड्यूल्स होते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा T3 T4 हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे, तो जाहिर है फिर उसमें थायरोटॉक्सिकोसिस और हाइपर थायरॉइडिज्म वाले फीचर्स आएंगे। और अभी ये कोल्ड हॉट नोड्यूल का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको दे दिया, आपने याद रखना है कि दिस इज मोर रिलेटेड टू मेलिग्नेंसी एंड दिस इज लेस। फिर हमने इन्वेस्टिगेशंस जो जो करानी है पेशेंट की, अभी मैंने आपको ये बताया था कि हमने सारी आपकी जो थायराइड की प्रोफाइल है T3 T4 TSH वो तो करानी है, अल्ट्रासाउंड इसका कराना होता है, FNAC फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आप कभी भी सर्जरी भी नहीं कर सकते। तो ये आपने लिखनी होती है कि हमने ये इसकी इन्वेस्टिगेशंस करानी है। और यहाँ पर बात खत्म करते हैं, अभी तक किसी कोई मसला हो ये के नास में। थैंक यू।